हाँ ठीक है दीदी, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्रिया कौन सी नई बात है, हर 15 दिन में तो आ जाती है आपकी बहन, मना क्यों नहीं करते हो उसको? 100 रुपए का मिठाई का आधा किलो का डब्बा उठाया और आ जाओ, हमारे इतने खर्चे हो जाते हैं, कभी 1100 दो, कभी 2100 रुपए दो। तो तुम्हारा भाई भी तो आता है, वो तो खाली आता रहता है और 10-10 दिन पड़ा रहता है। मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा, कम से कम मेरी बहन कुछ लेके तो आती है। मेरी बात सुन लो, मैंने आपकी बहन की बात की है ना, तो आप ही मेरी बहन की बात करो। अच्छा तो तुम्हारे चक्कर में अपनी साली के साथ वाला रिलेशनशिप खराब कर लूं, 2 साल पुराना। क्या हुआ, अकेली बैठी हो? मिसेस गुप्ता आई नहीं अब तक? आना तो था पर पता नहीं उनका आना कैंसिल हो गया। थक, तेरे का मैंने ऐसी छुट्टी ले ली। क्या छुट्टी नहीं मिली होगी ना उनको अब तक? हाँ उनको ऑफिस में कम ही छुट्टी मिलती है। और वैसे भी आएंगी तो कॉल तो करेंगी। हाँ। बता तो देंगी पहले ना। हाँ। यार जब भी हम कोई पुरानी मूवी देखते हैं ना, मुझे अपने पुराने घर की बड़ी याद आती है। और जब कभी भी बारिश हो रही होती है ना, तो वो जो अपनी गली के नुक्कड़ में समोसे बनाता था, उसके समोसे बड़े याद आते हैं। तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आती? आती है ना मुझे आपकी याद। जब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, तब मुझे आपकी याद आती है। जब हमारा घर बिखरा पड़ा होता है, तब मुझे आपकी याद आती है। जब गंदे कपड़े पड़े होते हैं, तब मुझे बड़ी आपकी याद आती है। जब मुझे शॉपिंग जाना होता है, तब भी मुझे आप ही की याद आती है। जब आपकी की याद आती है। चाय बन गई? हाँ बस बना रही हूँ। चल ठीक है फिर मैं बैठा। अच्छा सुनो, आज मैंने कहीं पढ़ा था कि बंदे के पास पैसे ना अपनी बीवी की नसीब की वजह से आते हैं। अच्छा। आप किस सोच में पड़ गए? अरे कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रहा था कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, मुझे लगता है नहीं कि एक बीवी के नसीब से कुछ हो पाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब ये मत कहना आपका मूड मेरी वजह से खराब है। तुमसे बहस करना बेकार है, तुम नहीं समझोगी। क्यों नहीं समझूंगी? अरे यार बोल दिया ना, तुम नहीं समझोगी। पर क्यों नहीं समझूंगी? क्योंकि तुम्हारी कोई बीवी नहीं है ना। देखना जरा, सही लग रहा है? हैंडसम लग रही हो। अच्छा जल्दी जाना, वो एयरपोर्ट पे वेट कर रही होगी। आपको पता ना उसे वेट करना पसंद नहीं है, चिड़चिड़ी हो जाती है। भाई कहाँ जा रहा है? अरे दीदी काम से जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ। इतना तैयार हो के काम से जा रहे? तो काम से तैयार होके ही जाऊंगा ना। भाई तू तो इतना लेजी ना, तेरा बस चले तो टॉवल में चला जाए। चल ठीक है। बता कहाँ जा रहा है? अरे किसी से मिलने जा रहा हूँ, किसी से मिलके आ रहा हूँ। किससे मिलने जा रहा है? इतना क्या हो गया, दीदी को बता क्यों नहीं रही हो? अरे ये ना एयरपोर्ट जा रहे है, मेरी छोटी बहन आ रही है ना उसको लेने, तभी मैं सोचू इतना तैयार होके कहाँ जा रहा है। बता दूँ अभी को? क्या बता दूँ दीदी? अरे कुछ नहीं मैं लेके आता हूँ ना, देर हो रही है। अरे बता दूँ क्या बता दूँ, बताओ आप बिल्कुल चुप करो। दीदी आपको मेरे का समय बताओ। अरे भाभी आपको नहीं बता, इसको ना आपकी छोटी बहन पसंद थी, तो उससे शादी करने के था, आप पल्ले पड़ गए इसके।